बहुत समय पहले की बात है, गांव से दूर एक सुनसान जगह पर भूत चुड़ैल पति पत्नी रहते थे। उन्होंने अपने कुएं में एक मगरमच्छ पाल रखा था। मगरमच्छ बहुत ही खतरनाक था। जब उस मगरमच्छ को भूख लगती तो वो पागल हो जाता था और वो बुरी तरह चिल्लाने लगता। भूत चुड़ैल अपने मगरमच्छ के लिए खाने के लिए गांव से किसी न किसी आदमी को पकड़ कर लाते और उसे खिला देते। एक दिन की बात है, भूतों का मगरमच्छ भूख की वजह से पागलों की तरह चिल्ला रहा था। भूत चुड़ैल से उसका चिल्लाना देखा नहीं जा रहा था। इन्हें जल्दी ही इंसान को लाकर खिलाया नहीं गया तो ये पागल हो जाएंगे। हमें जल्दी ही किसी इंसान को लाकर इसे खिलाना ही होगा, जिससे इसका पेट भर सके और ये शांत हो जाए। इसे जिंदा रखना भी तो जरूरी है। पर इसे खिलाने के लिए आदमी लाएं तो लाएं कहाँ से? जिस गांव से हम इसके खाने के लिए आदमी पकड़ कर लाते थे, उस गांव के लोगों ने हमारे डर की वजह से निकलना ही बंद कर दिया है। हमें अपने मगरमच्छ के खाने के लिए किसी दूसरे गांव में जाकर आदमी को पकड़ कर लाना ही होगा, नहीं तो ये भूखा ही मर जाएगा। फिर वो दोनों भूत चुड़ैल दूसरे गांव में जाते हैं, तभी उन्हें एक आदमी खेत से आता हुआ दिखाई देता है। वो देखो, मिल गया आदमी। तो देख क्या रहे हो, जल्दी से पकड़ लो उस आदमी को। जैसे ही भूत चुड़ैल उस आदमी को पकड़ने जाते हैं तो वो उन्हें देख कर भागने लगता है। भूत, बचाओ भूत! अरे कोई मुझे बचाओ! दो दो भूत चुड़ैल! अरे कोई है, बचाओ! भूत जल्दी से उस आदमी को पकड़ लेता है। भाग कर जाता कहाँ है? अगर तू भाग गया तो हमारा भूखा मगरमच्छ क्या खाएगा? वैसे भी इतनी मुश्किल के बाद तू हमें मिला है। क्या मगरमच्छ? क्या तुम मुझे अपने मगरमच्छ को खिलाओगे? देखो मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। और फिर वो दोनों भूत चुड़ैल उस आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कुएं में रस्सी से बांध कर लटका देते हैं। बचाओ, बचाओ, मुझे मत मारो, मुझे इस मगरमच्छ को मत खिलाओ। मगरमच्छ आदमी को देखकर पागल हो जाते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी भूत अपने मगरमच्छ से शांत होने के लिए कहता है। शांत हो जाओ मेरे प्यारे मगरमच्छ। मगरमच्छ रस्सी से लटके आदमी को देखते ही उस पर झपट पड़ते हैं और उसको कच्चा चबा जाते हैं। मेरे प्यारे मगरमच्छ, अब तो तुम्हारी भूख शांत हो गई होगी, हम कल फिर तुम्हारे लिए एक और आदमी लेकर आएंगे। मगरमच्छ जैसे ही उस आदमी को खा लेता है तो चुड़ैल उस भूत से कहती है। हमें कैसे भी करके अपने मगरमच्छ को जिंदा रखना ही होगा, ये जिंदा रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। अगली सुबह जैसे ही रात होती है, मगरमच्छ को फिर से भूख लगने लगती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लगता है हमारे मगरमच्छ को भूख लगी है, तभी ये इतना शोर मचा रहा है। हमें जल्दी ही इसे किसी न किसी आदमी को लाकर खिलाना पड़ेगा। फिर वो दोनों भूत चुड़ैल फिर से उसी गांव में पहुंच जाते हैं और आदमी की तलाश करने लगते हैं। तभी वहां से एक आदमी काम करके अपने घर लौट रहा होता है तो दोनों भूत चुड़ैल की नज़र उस आदमी पर पड़ती है। देखो वो रहा आदमी। हाँ, उसे जल्दी से पकड़ लेते हैं, कहीं वो हमें देख कर भाग न जाए। भूत और चुड़ैल उसे पकड़ने जा ही रहे होते हैं, तभी उस आदमी की नज़र उन पर पड़ जाती है और भागने लगता है। बचाओ, अरे कोई बचाओ, दो दो भूत चुड़ैल मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे पड़े हैं। अरे कोई आओ रे, नहीं तो ये भूत चुड़ैल मुझे पकड़ लेंगे। तभी चुड़ैल जल्दी से जाकर उस आदमी को पकड़ लेती है। पकड़ लिया, भागता कहाँ है? अगर तू भाग गया तो मेरे पालतू भूखे मगरमच्छ क्या खाएंगे? अरे अरे मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, जाने दो। नहीं, हम तुझे नहीं छोड़ सकते, तुझे तो हम अपने मगरमच्छों के खाने के लिए लेकर जाएंगे, उन्हें बहुत भूख लगी है, तुझे खाकर ही उनकी भूख शांत होगी। नहीं नहीं, आदमी चिल्लाता रह जाता है और चुड़ैल भूत उस आदमी को पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कुएं में रस्सी से लटका देते हैं। और जैसे ही वो आदमी मगरमच्छों को कुएं में देखता है तो बुरी तरह चिल्लाने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत खाओ, हे भगवान, मैं करूं भी तो क्या करूं, ऊपर भूत चुड़ैल है और कुएं के अंदर ये खूंखार मगरमच्छ, दोनों तरफ ही मौत है। तभी कुएं के अंदर के भूखे खूंखार मगरमच्छ उस आदमी को देखते ही उन पर झपट पड़ते हैं और उसे फाड़ फाड़ कर खा जाते हैं।
अब तो उस गांव में आए दिन भूत चुड़ैल किसी न किसी आदमी को उठाकर ले जाते और अपने पालतू भूखे मगरमच्छ को खिला देते। उन भूत चुड़ैल की वजह से गांव के लोगों का जीना मुश्किल हो गया था और कोई भी उनके डर की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, जिसकी वजह से गांववासी आपस में इकट्ठे होकर बातें करते हैं। ऐसे तो एक एक करके ये भूत चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को मारकर खत्म कर देंगे। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। अब तो हमें इस भूत चुड़ैल से बचने का उपाय गांव के पुजारी ही बता सकते हैं। हमें उनके पास जाकर ही इसका कोई हल पूछना होगा, जिससे भूत चुड़ैल से हमारे गांव के लोगों की जान बच सके। तो भाइयों, फिर सभी गांववासी इकट्ठे होकर पुजारी जी के पास जाते हैं और उनसे भूत चुड़ैल से बचने का उपाय पूछते हैं। पुजारी जी, हमारी मदद कीजिए। भूत चुड़ैल की वजह से हम गांव वासियों का अपने घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वो हमारे गांव के लोगों को पकड़कर ले जाते हैं और अपने पालतू मगरमच्छ को खिलाते हैं। पुजारी जी थोड़ी देर अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद वो अपनी आंखें खोलकर गांव वासियों को बताते हैं। उपाय तो है, पर है बड़ा मुश्किल। भूत चुड़ैल को मारना है तो उसके लिए पहले तुम्हें उनके पालतू मगरमच्छ को मारना होगा, क्योंकि उनकी जान उनके मगरमच्छ के अंदर ही है, इसकी वजह से वो जिंदा हैं। पुजारी जी, पर ये होगा कैसे? उस मगरमच्छ को जाकर मारेगा कौन, जिससे हमारे गांव के लोगों की जान बच सके? पुजारी जी, कोई तो उपाय होगा उनसे बचने का। उपाय तो है, पर है बड़ा मुश्किल। पुजारी जी, बताइए हमें क्या करना होगा? उन भूत चुड़ैल से बचने के लिए हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। तो सुनो, उस मगरमच्छ को मारने के लिए बस एक ही उपाय है। गांव से बाहर दूर एक कुआं है, उस कुएं में नीले रंग की जादुई मछलियां हैं। अगर उन नीली मछलियों को लाकर उनके मगरमच्छ को खिला दिया जाए तो वो मर जाएगा, और उसके मरने के साथ ही वो भूत चुड़ैल भी जलकर मर जाएंगे। फिर सभी गांववासी गांव के बाहर दूर कुएं से नीली रंग की मछली को निकाल कर ले आते हैं और रात होने तक उन भूत चुड़ैल का इंतजार करने लगते हैं। उधर भूत चुड़ैल के मगरमच्छ भूख से बिलख रहे होते हैं। हमें जल्दी ही किसी आदमी को पकड़ कर लाना होगा। अगर जल्दी ही इन्हें किसी को लाकर खिलाया नहीं गया तो ये भूखे मर जाएंगे और इनके मरते ही हम भी मर जाएंगे। इन्हें जिंदा रखने के लिए हमें किसी आदमी को पकड़ कर लाना ही होगा, जिससे हम दोनों जिंदा रह सके। और फिर जैसे ही रात होती है तो वो दोनों भूत चुड़ैल गांव में आकर आदमियों को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक आदमी दिखाई देता है। वो देखो आदमी, इसे जल्दी से पकड़कर अपने मगरमच्छ को खिलाते हैं। वो आदमी भी एक छोटी बोतल में नीली मछलियों को छिपाकर उन्हीं भूत चुड़ैल का ही इंतजार कर रहा था। और जैसे ही भूत चुड़ैल उस आदमी को पकड़ लेते हैं तो वो मन में सोचने लगता है। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम लोगों ने हम गांव वासियों को बहुत परेशान कर लिया, पर अब और नहीं, अब हम गांव वासी तुम्हारा इंतजाम कर चुके हैं और बहुत जल्द ही हम तुम्हें सीधा मौत के घाट उतारेंगे। जब तुम्हारे मगरमच्छ ही जिंदा नहीं रहेंगे तो तुम जिंदा कैसे बचोगे? भूत चुड़ैल उस आदमी की चाल से अनजान उसे पकड़ कर ले जाते हैं और उसे कुएं में रस्सी से बांध कर लटका देते हैं। नीचे खूंखार मगरमच्छ देखकर उस आदमी की जान निकल रही होती है। अरे राम रे, ये मगरमच्छ तो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ही इंतजार कर रहा था। अगर मैं गलती से भी नीचे गिर गया तो ये मेरी हड्डी नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अरे राम राम, अरे राम जी। ऊपर खड़े भूत चुड़ैल अपने भूखे मगरमच्छ और उस आदमी को देख रहे थे। मेरे प्यारे मगरमच्छ, देखो हम तुम्हारे खाने के लिए कितना बढ़िया आदमी लाए हैं। अब जल्दी से इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। इतने में ही वो आदमी अपनी जेब से छोटी सी बोतल को निकालकर उसमें से नीली मछली निकालकर कुएं में डाल देता है। जैसे ही मगरमच्छ उस नीली मछली को देखता है तो वो उसे खा लेता है और नीली मछली के खाने के साथ ही मगरमच्छ का शरीर जलने लगता है। मगरमच्छ का शरीर जैसे जैसे जल रहा था वैसे वैसे भूत चुड़ैल भी जल रहे थे। ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मर सकते। बचाओ बचाओ।
तभी देखते ही देखते मगरमच्छ जलकर मर जाता है और उसके साथ भूत चुड़ैल भी मर जाते हैं। फिर वो आदमी कुएं से निकलकर बाहर आ जाता है